आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। कृतार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 16वें श्लोक से मैं आज आपको पढ़ने जा रही हूँ। 16वां श्लोक है, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजरम नयति अयमत छद गंधिराद्रताम भृशम नृपोपायन दंती नाम मदः। आयुमत छद गंधी सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंती नाम राजाओं के उपहार भूत, दंती नाम हाथियों का, मदः मद जल, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम अनेक राजन्य क्षत्रियों के रथाश्व संकुलम रथ और अश्वों से व्याप्त तदीयम दुर्योधन संबंधी आस्थान निकेतनाजरम राजसभा मंडप का जो आंगन है वह भृशम बहुत अधिक आद्रताम पंकिलता को नयति प्राप्त करा दिया जाता है। तो सप्तपर्ण पुष्प के समान सुगंध वाला उपहार में प्राप्त हाथियों का मदजल, क्षत्रियों के रथों और अश्वों से भरे हुए दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को कीचड़ वाला बना देता है। अर्थात दुर्योधन को उपहार में प्राप्त मदश्रावी हाथियों का मदजल बहकर उसके सभा मंडप को गीला कर देता है। अगला श्लोक है, सुखेन लभ्या दधता कृषि बलई राकृष्ट पच्चा इवसस्य संपदा वितन्वती शेमं देव मात्रिकाश्चराय तस्मिन् कुर्वश्च चकासति। चिराय बहुत समय तक तस्मिन् उस दुर्योधन के क्षेमं प्रजा कल्याण को यथावत पर्यवेक्षण आदि के द्वारा प्रजा का मंगल वितन्वती करने पर, अर्थात कूप कुल्ले आदि के प्रवर्तन द्वारा और बांध आदि के निर्माण द्वारा प्रजा कल्याण के लिए और सस्य संपत्ति की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर अदेव मात्र कहा मेघों के जल की अपेक्षा ना रखने वाले अपितु नदी कूप आदि के जल पर ही निर्भर रहने वाले कुरवाह कुरु नामक जनपद विशेष आकृष्ट पचया एव खेत जोतना आदि रूप पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वयमेव उत्पन्न होने और पकने वाले की तरह कृषि बल ही कृषकों के द्वारा सुखेन लभ्या अनायास ही प्राप्त करने योग्य सस्य संपदा धान्य आदि संपत्तियों को दधता धारण करने वाले होकर चकासति शोभा प्राप्त करते हैं। तो दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि के लिए नदी कुल्ले आदि का प्रबंध कर प्रजा कल्याण करने से कुरु जनपद मेघ आदि पर निर्भर न रहकर किसानों द्वारा अनायास लभ्य धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हैं और सुखी रहते हैं। उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुप स्नुता वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। उदार कीर्ते महायशस्वी दयावतः दयालु अभिरक्षया यथा योग्य सर्वत्र संरक्षण से प्रशांत बाधम उपद्रवों से रहित उदयम लोक अभिदय दिशतः करने वाले वसु उपमानस्य कुबेर तुल्य अथवा अग्नि तुल्य तेजस्वी अनंत धन संपन्न अस्य इस दुर्योधन के गुण ही दया दाक्षिण्य आदि गुणों से उपस्मृता उपस्कृत आदरीकृत मेदिनी पृथ्वी स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही बहुत अधिक दुही जाती है। तो जिस प्रकार किसी चतुर व्यक्ति के द्वारा प्रसूता एवं रक्षिता गौ स्वयं दूध देती है, उसी प्रकार गौरूप पृथ्वी भी राजा के गुणों से उपस्कृत होकर स्वयं दुही जाती है।
अर्थात उससे धन्य धान्य आदि उत्पन्न होते हैं। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तेः न संघतास्तस्य न भिन्नवृत्तेः प्रियाणि वांछत्य शुभि समिहितम्। महोजसा महाबलशाली, मानधना स्वाभिमानी, धनार्चिता राजा के द्वारा विपुल धन से सत्कृत, संयति भीषण युद्ध में लब्ध कीर्तेः प्रख्यात यशस्वी, भीषण युद्धों में दुर्दमनीय शत्रुओं को वध करके यश प्राप्त करने वाले, न संघता कार्य साधन में परस्पर सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, न भिन्न वृत्तः परस्पर भिन्न मत न रखने वाले अपितु परस्पर अनुरागी एक मत वाले, धनुर्भृतः धनुर्धारी योद्धा अशुभि प्राण से भी तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणी हितकारी कार्य अभिष्टकारी कार्य समिहितुम करने के लिए वांछति इच्छा करते हैं। महाबली अभिमानी धन से सम्मानित संग्राम में यश पाने वाले योद्धा एक मत से उस दुर्योधन के अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्राण अर्पण से भी इच्छा रखते हैं। अर्थात उसके योद्धा महाबली विजयी होने के साथ साथ दुर्योधन के इष्ट कार्य को प्राण अर्पण द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। अगला श्लोक है, मही भृताम सचरितैश्चरैः क्रियः सा वेद निःशेषम् अशेषित क्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरेवेहितम् फलैः। अशेषित क्रियः समस्त आवश्यक राजकार्य को समाप्त कर लेने वाला सह वह दुर्योधन सच्चरित ही शुद्ध चरित्र वाले चर ही गुप्तचरों द्वारा मही भृताम सब राजाओं के क्रिया कार्यों को निश्चेषम संपूर्ण रूप से वेद जानता है। धातु विधाता की तरह तस्य उसके इहितम इष्ट कार्य महाउदयी महावृद्धिशाली हित अनुबंधी भी हितकारी फल ही प्रियोजनों से प्रतीयते प्रतीत होते हैं। तो दुर्योधन जो है वह अपने कुशल गुप्तचरों द्वारा अपने सामंत राजाओं की समस्त चेष्टाओं को पहले से ही जान लेता है, परंतु उस दुर्योधन की चेष्टाएं तो कार्य की सिद्धि के उपरांत उसके फल से ही ज्ञात होती हैं, इससे पूर्व नहीं। जैसे विधाता की चेष्टाओं का अनुमान केवल कार्य के फलों से ही लगाया जाता है, इससे पूर्व कोई नहीं जान पाता है कि वह क्या करना चाहता है।